जिला बार एसोसिएशन ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें जिला बार एसोसिएशन ने कहा है कि एसोसिएशन बार ऑफ इंडिया की सभी मांगों का समर्थन करती है और इन मांगों को वकीलों के हित में लागू किया जाए। उन्होंने मांग के मुख्य रूप से देश के सभी बार एसोसिएशनों में चैम्बर, पर्याप्त भवन, आवास, लाइब्रेरी, शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ है। वर्तमान बजट में वकीलों के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करना है, साथ ही इंश्योरेंस कवर, प्रैक्टिस वित्तीय सहायता के लिए मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मांग पत्र में हरियाणा की तर्ज पर एडवोकेट्स के लिए भवन बनाने को भूमि के कम रेट तय किए जाएं, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में जरूरी बदलाव अवश्य किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी एक्ट तो रिटायर न्यायाधीशों, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए हैं, जिसमें भी सुधार की आवश्यकता है ताकि योग्य एडवोकेट्स भी इनके लिए नियुक्त हो सकें। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान विश्वजीत शर्मा, उप प्रधान विक्रांत ठाकुर, सचिव कपिल भारद्वाज सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। मेमोरेंडम दिया जो कि केंद्र सरकार से बार काउंसिल की प्रमुख मांगे हैं। देश के सभी वकीलों के लिए न्यायालय परिसर में या नजदीक अधिवक्ता संघों द्वारा संघ हेतु भवन की, वकीलों को बैठने की समुचित व्यवस्था, लीडिंग एड्स के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था, नए जरूरतमंद वकीलों को 10,000 रुपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था 5 वर्षों तक, देश के सभी अधिवक्ता एवं उनके परिवार हेतु जीवन बीमा, असामयिक मृत्यु पर कम से कम 50 लाख रुपये की व्यवस्था, वकीलों व परिजनों को किसी भी बीमारी की स्थिति में बेहतर मुफ्त चिकित्सा की आवश्यकता, सभी वृद्ध वकीलों हेतु पेंशन तथा परिवार की पेंशन की व्यवस्था, लोक अदालतों का कार्य वकीलों के जिम्मे न कि न्यायिक अधिकारियों के जिम्मे या न्यायाधीशों के जिम्मे इससे दूर रखा जाए, उनके नहीं होनी चाहिए, सभी जरूरतमंद वकीलों को उचित मूल्य पर गृह निर्माण हेतु भूखंड की व्यवस्था की जाए, सभी ट्रिब्यूनल कमिश्नर आदि के वकीलों को आवश्यकता अनुसार न्यायिक की वाहली हो और जो न्यायिक अधिकारियाँ और अवकाश जो रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको इनसे दूर रखा जाए, ये हमारी प्रमुख मांगे रही। अगर ये मांगे नहीं मांगे तो क्या रहेगा? तो इससे जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हमें आया है, गाइडलाइंस आई है, जैसा उनकी गाइडलाइन के ऊपर ही चलेंगे BCCI की। क्या गाइडलाइन? गाइडलाइंस आएगी बाद में आएगी, गाइडलाइंस ना अभी तो है नहीं, जैसे वो वहाँ से बताएंगे वैसे करेंगे हम भी, सारे पूरे देश में हो रहा है।